नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे हैं, HSSC ग्रुप डी एक नया बवाल, ज्वाइनिंग के बाद भी नौकरी जाने का खतरा। जी हाँ, एक बड़ी खबर, HSSC ग्रुप डी जो पुरानी भर्ती कंप्लीट हुई है और अब वेटिंग की प्रोसेस का एक साइकिल चल रहा है, अब उस वैकेंसी में एक नया बवाल पैदा हो गया है। जानने के लिए बने रहें इंस्पिरेशनल गुरुजी के साथ। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, आज न्यूज़पेपर में छपी एक खबर के मुताबिक ग्रुप डी में पुरानी पॉलिसी के तहत ग्रेड वाले खिलाड़ियों की नौकरी खतरे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, पुरानी पॉलिसी के तहत जिनके भी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट हैं उन खिलाड़ियों की नौकरी खतरे में है। पूरी खबर, ग्रुप डी के लिए भर्ती हुए खिलाड़ियों की नौकरी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जनवरी में भर्ती हुए खिलाड़ियों से 25 मई 2018 की पॉलिसी के तहत ग्रेडेशन सर्टिफिकेट भी मांगे गए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार नई पॉलिसी के तहत ग्रेडेशन न देने वाले खिलाड़ियों को 31 अगस्त के बाद नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। जनवरी 2018 में जींद उपचुनाव से पहले राज्य सरकार की ओर से ग्रुप डी के लिए 18,218 युवकों का चयन किया गया था, जिसमें 1,518 पद खिलाड़ियों के लिए मान्य थे। नियुक्ति से लेकर अब तक खिलाड़ी ESP एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन की उलझन में फंसे हुए हैं। यानी टोटली ये 1,518 खिलाड़ियों के जो पद थे वो थे उस भर्ती में, और वो ESP और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की पॉलिसी में फंसे हुए हैं। कहा गया है कि पुरानी पॉलिसी को नहीं दी जा रही मान्यता। खेल कोटे से यानी 18 मई 2018 की जो पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग आपके ग्रेडेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर उससे पहले किसी नियमावली के तहत आपको ग्रेडेशन सर्टिफिकेट मिले हैं तो वो मान्य नहीं होगी। खेल कोटे से नियुक्त मुकेश जमाल ने बताया कि ग्रुप डी के दौरान अपने खेल का ग्रेडेशन सर्टिफिकेट लगा नियुक्ति ले चुके हैं, जबकि अब ESP एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन OSP के फेर में उलझाया जा रहा है। पुरानी पॉलिसी के तहत प्रदेश में स्कूल से लेकर राष्ट्रीय स्तर की गेम की ग्रेडेशन तैयार कर दी जाती थी और मेरिट के आधार पर खिलाड़ी को नौकरी मिल जाती थी। प्रदेश के लगभग 12,000 से अधिक खिलाड़ियों के पास पुरानी पॉलिसी के तहत ग्रेडेशन है, जबकि नई पॉलिसी में केवल 350 ग्रेडेशन बनाई गई है। तो ये एक मुद्दा अब गरमाया हुआ है HSSC की जो पुरानी भर्ती थी उसमें, और खिलाड़ियों की और जो नियुक्त हुए हैं उनकी जॉब पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, जैसा कि इस खबर से हमें पता चल रहा है। तो अब 8 माह से नौकरी के इंतजार में भी खिलाड़ी हैं। वेटिंग उम्मीदवार खिलाड़ी अमित गौरव, सुनील, हाकम सिंह, मनदीप, रविंदर ने बताया कि खेल कोटे की 1,518 पदों पर नौकरी के लिए जनवरी से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले बिना ग्रेडेशन की नियुक्तियों पर सवाल खड़ा हुआ था, अब नई पॉलिसी के तहत ग्रेडेशन की मांग की जा रही है। SSSC की ओर HSSC की ओर से अगर दस्तावेजों की पहले ही जांच की जाती तो आज पारदर्शी तरीके से खिलाड़ियों को नौकरी मिल सकती थी और 8 माह तक इंतजार नहीं करना पड़ता। अधिकारियों की लापरवाही के कारण बिना ग्रेडेशन के खिलाड़ियों का मेरिट में चयन कर लिया गया। तो ये दो तरीके के आपके यहाँ पर समस्या इस न्यूज़पेपर के द्वारा उजागर की गई है। उम्मीद करते हैं जो एलिजिबल कैंडिडेट है और जो भी पॉलिसी के तहत ग्रुप डी के विज्ञापन में जो पॉलिसी निर्धारित की गई थी उसी के अनुसार सभी को जॉब मिल जाए, जो वेटिंग में हैं उनको भी, और जो ज्वाइन कर चुके हैं, जो एलिजिबल हैं, उनकी भी नौकरी सलामत रहे। HSSC से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी के साथ। धन्यवाद।